हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनु ट्यूटोरियल। मु अनु आपण समस्तंको पुनि थरे हमर चैनल को स्वागत जणाउछि। आपण समस्तंको पई मु आज जो वीडियो टि नेसछि से वीडियो टि प्लस 3 फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर संस्कृत ऑनर्स पिला माननको पई आजर वीडियो रे आमे स्टार्ट करबो। फर्स्ट क्लास हमर कोन ना संस्कृत ऑनर्स पिला माननकर, ठीक अछि। तो मु आज नै के आछि वीडियो टि रे अभिज्ञान शाकुंतले पंचम अंक से कथा सारांश नाटकियम वैशिष्ट्य आलोचयत, ठीक अच्छे। तो वैशिष्ट्य को ये आलोचना करेंगे कौन ना पंचम अंकर, ठीक अच्छे। आशा करते हैं समस्त जानपरि कि वीडियो टी कौन रही। चल तो वीडियो टी को स्टार्ट करवा आउ डेरी नक। वीडियो टी स्टार्ट करने पूर्व आप समस्त कही रखुचे जदि आपने वर्तमान मो चैनल नुआ विजिट करूँ चैनल नुआ अच्छा चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस करते ताकि आप समस्त मुँह बनवा सब वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे मिल जाव, ठीक अच्छे। वीडियो टी भल लगे लाइक करूँ आप फ्रेंड्स मान सहित सेयार करूँ, ठीक अच्छे। देखते कौन रही वीडियो टी प्रथम आम देखाई अभिज्ञान शाकुंतले पंचम आकांक्षा कथा सारांश नाटक्यम वैशिष्ट्य आलोचयत बा समालोचयत। तो ये आपने जापारे मुझे आसटा आज वीडियो सेटा हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम पंचम अंक जोटा कि प्रथम अंक होमर कौन ना अभिज्ञान शाकुंतलम सेकेंड सेमिस्टर पिला, ठीक अच्छे। सेकेंड सेमिस्टर में प्रथम विषय जो रही है सीटा हूँ पंचम अंक। तो देखो कौन रही क्वेश्चन टाक नहीं आसीचे ताकि आपड़ समस्त जापर पंचम अंक कौन क्वेश्चन आसव, ठीक अच्छे। देखो प्रथम देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम पंचम अंक प्रारंभ में गौतमी सांगरव और शारद्वत सहित शकुंतला हस्तिनापुर राज्यसभा उपस्थित होती। आपण मानक मुझे प्रथम चतुर्थ अंकर कथा वस्तु कहीदेजी जो चतुर्थ अंकर कौन कौन होता, ठीक अच्छे। ताकि आप समस्ते क्लीयर हो चतुर्थ अंकर पंचम अंक आसपे कि आपको प्रॉब्लम रही है, ठीक अच्छे। तो आम चतुर्थ अंकर कौन होता फोर्थ अंकर जे पिता कन्नुआ, ठीक अच्छे, जे कि थिले कहार ना शकुंतला पिता एवं शकुंतला थिले कणुआ ऋषि कण ना पालित तो शिष्या काश्यप ऋषि बा कणुआ ऋषि, ठीक अच्छे। कणुआर अन्य नाम हूँ काश्यप। तो देखते कहला ना चतुर्थ अंक कौन होता ना कणुआ ऋषि जाते कौट कि ना निज कन्याज कन्या निम्ते भल उपासना से तीर्थ करने जाते निज कन्या मंगल मनासी तीर्थ करने जाते से फेरला कौन जापारे ना कन्या ओरसरे कहार सतान बढ़िया जाऊँगी ना दुष्यंत, ठीक अच्छे। तो से जाणी हस्तिनापुर राजा द्वारा से कौन होती ना गर्भवती होती सहित कौन ना से गंधर्व विधि बहुत करे क्लीयर हो जाते ना कणुआ ऋषि क्लीयर हो जाते देन से कौन करते ना यही संवाद पाई से खुशी होते कौन करते ना से निज कन्या किपरी निज पतिगृह को प्रेरण करने पूर्व गोटे बापा किपर गोटे झील को उपदेश मान दौची कौन ना क्या आश्रम कन्या जी थी आम शाकुंतला किपर निज अरण्यर माता अरण्य देवी किपर तक त्याग करोठा को ना पतिगृह को छाड़ू से जिनसा वर्णना कर चतुर्थ अंक जे किपर अरण्य माता बा अरण्य देवी आशीर्वाद प्रदान करे तुम्हें तुम पतिगृह जाए सुखरे वंश विस्तार कर एवं कौन ना सुखरे बसति स्थापन कर से विषय चतुर्थ अंक वर्णना कराइजे विदाय थी किपर कौठू ना अरण्यर शकुंतला के ना हस्तिनापुर को आसवा पर्यंत। तो इतनी थी कथ जो थे कि चार्टा इम्पोर्टाट अंक देता से चार्टा अंक हूँ ना अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंकर भेरी भेरी इम्पोर्टाट अंक सब श्लोक सब जोटा कि आपको प्रिवियस भिडियो दे सारी फर्स्ट इयर आपण मान एग्जाम अलरेडी आसी सारे क्वेश्चन। तो आशा करुच्छी आपड़ समस्ते से सब क्लीयर हो जाए एवं क्लीयर हो जाए कि कौन कौन थी मुझे पूर्वधारणा देदेली। तो देखो चलते जी पंचम अंक को एंटर कलापर देखिए पंचम अंक कौन कौन होने जिते बड़े हस्तिनापुर जाकि पहुँची कौन कौन सब हो चलत देखा। देखो कह लिखाला अभिज्ञान शाकुंतला पंचम अंक प्रारंभ में गौतमी सांगरव और शारद्वत सहित शकुंतला हस्तिनापुर राज्यसभा उपस्थित होती। नृप दुष्यंत महर्षि दुर्वासा साप प्रभाव शकुंतला विषय समस्त वृत्त भूली जाइंट
सौंदर्य सुषमा संपन्ना शकुंतला देखि महीपति दुष्यंत अंतकरण समाकृष्ट जो स्वीकार करना तपर कहीं शकुंतला राजा द्वारा प्रदत्त मुदिकाटी देखा इच्छा करु से मुदिकाटी आउ आंगुठी नाला ताची तीर्थर जल में पड़ जाता फल स्त्रीणा प्रत्युतत्पन्न मतित्वम भवति बोली कही दुष्यंत शकुंतला तिरस्कार कर तापर कहला ना शकुंतला बारंबार आश्रम रे राजा दुष्यंत कृत व्यवहार और मृग सापकर व्यवहार व वृत्तांत को कही मन पकाई देवाई चेष्टा करछंती किंतु राजा दुष्यंत मधुरा ही प्रतिपादित करछंती प्रतिपादन करछंती तापर कहिछि ना सरंगरव क्रोधान्वित हो राजा को कहिछंती राजन आपणकर एपरि व्यवहार सुतरंग आम्भे माने जाउछु तुम्हार ये धर्मपत्नी ग्रहण कर त्याग कर एपरी कहे समस्त शकुंतला छाड़ चली आसी समय राजपुरोहित कहते राजन यही नारी आसन्ना प्रसवा एणु एठारे रहू जदि यार पुत्र चक्रवर्ती लक्षण युक्त होब तेबे यहाँ अंतपुर रखा ठीक अच्छे अन्यथा पतिगृह को पितृगृह को जीवापी नारी बाध्य होब एपरी कही राजपुरोहित जिते बड़े शकुंतला को निज घर को नेपी उद्यत हेले सेतेबेले एक अप्सरा आकाशर ओल्हाई शकुंतला निज कोल धरी अंतर्हिता होगले ठीक अच्छे एकदा राजपुरुष मैंने एक धीवर ठार दुष्यंत नामांकित एक स्वर्ण मुद्रिकाटी आनी राजा को दे राजा दुष्यंत से मुद्रिका को देखी पूर्व कथा मान स्मरण कले अत्यंत दुखापूर्ण हो सही धीवर को पुरस्कार प्रदान कर ताको कौन ना फेरे देते पुरस्कार प्रदान कर फेरे देतेपर पंचमा समाप्ति होशिष्ट पंचमा प्रथमार्धे कंचुकी स्वराज्य विषय शोक प्रकाश कर फल राजा राजपद प्रति निर्वेद भाव परिप्रकाश होगा संगे संगे नृप विदूषक आलापुर हास्यरस अभिव्यक्त हो ठीक अच्छे हंसवती कथन राजा दक्षिण नायकत्व साधित हो पुनश्च राजा दुष्यंत और शंकरव धर्मरक्षा पाई बाक युद्ध होत्संगे संगे कौन ना दुष्यंत परवनिता को ग्रहण न करने विविध युक्ति उपस्थापन कला बेले शंकरव गांधर्व भितर बहुत करवा शकुंतला को ग्रहण करने अनेक युक्ति उपस्थापन करपरि उभय दुष्यंत और शंकरव धर्मवीर रूप से प्रतिपादित होती तृतीयतः यही अंक अद्भुत रस परिप्रकाशित होते बड़े कौन सी अदृश्य मृत्यु शकुंतला नहीं चली जाए अंक अवसान में मृतिका अवलोकन कर दुष्यंत शकुंतला विषय एक वृत्त स्मरण करने द्वारा दुष्यंत बड़ा व्यग्रता व्यक्त हो तो ये थी पंचम अंक आशा करें जापारी देखते मैं आउ थे कहीदे कौन होता ना प्रथम जितेबले किए ना आश्रम कन्या शकुंतला किए किए ना पिता कण्वर सिंह दुई शिष्य सारंगरव सारगवत सारगरव सारगवत सहित शकुंतला आउ क्या सहित आसते ना निज माता गौतमी सहित जिते बड़े आसे हस्तिनापुर राज्यसभा उपस्थित होते क्या सहित ना नृप दुष्यंत सहित किसी समय वार्तालाप पर से कही पत्नी से ओरसर पुत्र अच्छा किंतु से विश्वास कर ना से पर नारी हेतु से कही तुम पर नारी तुमको ग्रहण करवा एक जथेष मध्यम नुह तुम्हें हुए तो मत मिछ कौ थपर यह सब कथना यही सब घटना घटला कहला ना कि समय पर जुक्तितर्क सांगरव बहुत चेष्टा विफल हो सी कौन कह निज पत्नी को निज पाखे रख अबा परित्याग कर आम को किसी जायस ना कही समस्ते सेठार निज आश्रम को चली जाइए कौन कही ना शकुंतला रखापी राजपुरोहित कही कि जड़े दंड धरी सब बड़े विचरण करूँ कौन कहुई कंचुकी बोली नामकरण कर तो कंचुकी कहते किसी दिन आपको रखा जाए सतान अच्छा जदि से ही पुत्र सतानटी चक्रवर्ती पुत्र सतान हुए तेब जा ताको आमे एठारे स्थान देवा नचे पितृगृह को पठाईदे यह सब कथा क्षण सी जपरी जी आरंभ कर घर को क्या गृह को ना कंचुकी गृह को ठीक से ही समय स्वर्गर जड़े अप्सर ही तौक ओह्ल आपसरा जनक निज कोल क्या टेकि नहीं शकुंतला को शकुंतला होती अप्सरी झील आपने जानते से हूँ मेनका अप्सरी कहार ना विश्वामित्र ओरसर जत कन्या ठीक अच्छे तो तांको कौन ना स्वर्गर अवसरी जड़े आसी निज सहित नहीं जाए परवर्त समय जिते धीवर ठार्वर्ण मुदीटी किए पाई ना राजा पाई देखिकी से
କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଦାସ ବାପସ ଆସିଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ନା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ଅବହେଳା ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଧୀବରଟିକୁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଠାରୁ ନା ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନ କେଉଁଠାକୁ ନା ରାଜସଭାକୁ, ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜସଭାକୁ, ଏବଂ ଶେଷ ହେଉଛି କେଉଁଠାରେ ନା ଧୀବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିକଟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବେ ଯେ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଯେ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ କଥାବସ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ପାଠ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ସ ରହିଛି, କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ମୋତେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ। କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ପଚାରନ୍ତୁ। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସର କ୍ଲିଅର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବାଧା ଦେଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିହାତି ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଠ ସହିତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।